हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस वेलकम ट यू टुडे यूपी बोर्ड एंड सब्जेक्ट इज इंग्लिश लेसन नेम इज सिक्स सॉरी क्लास ने क्लास इज सिक्स एंड लेसन इज सेवन एंड द लेसन नेम इज द ऑनेस्ट वुड कटर ऑनेस्ट समथिंग बहुत ईमानदार हो जो उसको ऑनेस्ट बोलते हैं इसका एच नहीं पढ़ा जाता बेटा एच साइलेंट होता है हम ओ से पढ़ते हैं ऑनेस्ट वुड कटर वुड मीन्स लकड़ी कट मीन्स काटना वुड कटर लकड़हारा जो लकड़ी को काटता है तो ऑनेस्ट वुड एक ईमानदार लकड़हारे की कहानी है ईमानदार लकड़हारा है उसी को हम लोग इस लेसन में देखते हैं वेरी गुड लेसन सबने सुना होगा दिस टाइप ऑफ स्टोरी और बहुत अच्छा लेसन है बहुत इंस्पायरिंग लेसन है मोटिवेशनल लेसन है दुनिया की जो सबसे अच्छी नीति होती है ना जिस पर ये दुनिया टिकी है जिसके सहारे ये दुनिया चलती है उसको ऑनेस्टी कहते हैं उस पर ये बेस्ड है उसी को आपको शिक्षा दे रहा है अगर आपके अंदर ऑनेस्टी आ जाती है और आप उसको सीख लेते हो तो इस लेसन का पर्पज यहीं पर कंप्लीट हो जाता है अंडरस्टैंड लेटस सी द लेसन वंस देअर वॉज अ आउटकटर वंस देर वॉज एटकटर एक बार वंस मीनस एक बार एक उठकटर था लिव इनजो गांव में रहता था वो माने यहाँ कौन नहीं हुए गांव में रहता था एक उठकटर था वो गांव में रहता था एक बार की बात है ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट मैन बड़ा ईमानदार व्यक्ति था वह बहुत ही ईमानदार वेरी ऑनेस्ट वैसे लाइफ में ऑनेस्ट रहना ही चाहिए क्योंकि ऑनेस्टी आपको हमेशा कुछ ना कुछ देकर जाती है वन डे ही वॉज कटिंग वुड विद हिज एक्स और एक दिन वह कुछ अपनी से काट रहा था तो उड क्या लकड़ी काट रहा था एक दिन वह वह एक दिन लकड़ी अपनी एक्स से काट रहा था इट वॉज अ वेरी हॉट डे बड़ा गर्मी का दिन था भाई बड़ा गर्म दिन था ये He felt thirsty and went to the river to drink water. उसको प्यास लग गई और वो नदी पर रिवर पर पानी पीने के लिए गया अपनी प्यास बुझाने के लिए रिवर पर जाता है गया His axe slipped accidentally from his hand and fell into the river. अचानक से accidentally मानी होता है भाई दुर्घटना रस जैसे कोई काम अचानक से हो जाए accident तो आपने सुना है अक्सर एक्सीडेंटली उसके हाथ से उसकी एक्स जो थी अब मैं कुल्हाड़ी ने कहकर एक्स कहूंगा एक्स उसकी जो है वो स्लिप कर गई छूट गई और वो जाके पानी में यानी रिवर में गिर गई द वुड कटर स्टार्टेड क्राइंग और वुड लगा रोने बड़ी चोर चोर से अपनी कुल्हाड़ी के लिए अपनी एक्स के लिए द रिवर गॉडेस हर्ड river रिवर तो, नदी की देवी जो नदी में हमारे यहाँ तो भाई सबको सारी प्रकृति की चीजों को देवी और देवता के रूप में माना जाता है ये हमारी संस्कृति और कल्चर और सिविलाइजेशन आप देखते नहीं सुबह शाम हमारी माताएं बहनें हम लोग खुद ही सूर्य को जल छोड़ते हैं नीम के पेड़ में तो ये सब क्या है ये प्रकृति की पूजा है कि अगर ये है तो हम हैं तो उसमें से रिवर गॉडेस ने उसकी आवाज को सुना नदी की देवी ने और वो उनको उस उडकटर पर दया आई और वो सी केम आउट ऑफ द वाटर पानी से वो केम आउट बाहर आ गई गॉडेस अब दोनों में कन्वर्सेशन होगा बातचीत होगी ओके गॉडेस व्हाई आर यू क्राइंग चिल्ला क्यों रहे भाई

गॉडेस वेंट out with द golden एंड केम आउट विदर गॉडेस ठीक पानी के अंदर गई वेंट into the द और एक गोल्डन एक्स सोने की कुल्हाड़ी लेकर निकली देखो यहीं पर आपकी ऑनेस्टी का टेस्ट होता है ऑनेस्टी टेस्ट इसको बोलते हैं हम आप जानते हैं आयरन की बनी होती है एक्स लोहे की बनी होती कुल्हाड़ी लेकिन वो गोल्डन एक्स लेकर आती है क्यों क्योंकि वो इस उटकटर का टेस्ट लेना चाहती कि है कि ये ऑनेस्ट है? है कि डिस है ईमानदार है कि बेईमान है क्या आपकी यही एक्स है उठकटर नो, 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 नो नहीं, नहीं ये तो नहीं है मेरी दिस इज ए गोल्डन एक्स बट माई एक्स वॉज मेड आयरन अरे ये तो सोने की है मेरी तो आयरन लोहे की बनी हुई थी द रिवर गॉडेस वेंट इन टू द वॉटर अगेन एंड केम आउट सिल्वर एक्स फिर रिवर गॉडेस रिवर में गई और अब की बार भाई सिल्वर इसकी चांदी की चांदी की एक्स लेकर बाहर आई गॉडेस इज दिस योर एक्स डियर डियर क्या ये तुम्हारी एक्स है No, 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 no. नहीं 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 भी मेरी मेरी है। है। तो तो चांदी की की वाली सोने बनी थी। रिवर गॉडेस वेंट इंटू द वॉटर अगेन एंड केम आउट विद एन आयरन एक्स और फिर थर्ड टाइम तीसरी बार वो फिर रिवर गॉडेस रिवर में जाती है और अब की बार आयरन एक्स के साथ वापस बाहर आई ओ गॉडेस इज दिस योर्स ये तुम्हारी है उठकटोर यस 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 आ गए आ गए यस यही मेरी है दिस इज माइन दिस इज माई एक्स गॉडेस यू आर वेरी ऑनेस्ट मैन उसने कहा यस दिस इज माइन यही मेरी है और गॉडेस ने कहा यू आर अ वेरी ऑनेस्ट मैन आप बहुत ही ऑनेस्ट मैन हो एम प्लीजड विद यू मैं तुमसे बहुत खुश हूं आई विल रिवार्ड यू फॉर योर ऑनेस्टी और अब मैं तुम्हें तुम्हारे इस ईमानदारी के लिए रिवार्ड दूंगी इनाम दूंगी प्राइस रिवार्ड दूंगी अवार्ड करूंगी अवार्ड रिवार्ड, प्राइस। ये सब पुरस्कार ही होते हैं इनाम ही होते हैं ओके द रिवर गॉडेस गेव ऑल द थ्री एक्सेस टू द वुड उडकटर और रिवर गार्डेस ने तीनों के तीनों एक्सेस उसको दे दिया वुड को टेक इट अवे ऑल द थ्री एक्सेस वुड उटर थैंक यू गॉडेस आपका बहुत बहुत धन्यवाद गॉडेस यू हैव सेव्ड मी एंड माई फैमिली आपने मुझे और मेरे परिवार को सेव माने बचा लिया किससे मरने से सेव्ड बचा लिया आपने और लास्ट में इसकी टीचिंग लिखी गई है बेस्ट पॉलिसी यही है, इसका है का कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सबसे अच्छी अगर दुनिया की कोई नीति है ना तो ऑनेस्टी है ऑनेस्टी से ही हम कुछ भी गेन कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं अपने इस लाइफ में आप दुनिया पे नजर डालिए जितने भी ग्रेट पर्सन हुए हैं महान लोगों की बात मैं कर रहा हूं ऑल द ग्रेट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इफ दे हैव अचीव्ड समथिंग इन यर लाइफ इट इज ओनली ड्यू टू ऑनेस्टी तो उन्होंने जो भी प्राप्त किया है ना वो ऑनेस्टी के ही बल पर प्राप्त किया है तो इसका लेसन है बेटा कि ईमानदार बनो बी ऑनेस्ट आप अपने प्रति अपनी स्टडी के प्रति अपने समाज अपनी फैमिली अपने पेरेंट्स अपने एल्डर्स अपनी ड्यूटी के प्रति बी ऑनेस्ट ऑनेस्ट रहिए ईमानदार रहिए एंड वन डे यू विल फील द होल वर्ल्ड इज योर्स पूरा वर्ल्ड आपका है ओके okay? इतनी बड़ी इस दुनिया में लाखों नीतियां हैं देर आर अ लॉट ऑफ पॉलिसीज इन द वर्ल्ड लेकिन द बेस्ट पॉलिसी इज ऑनेस्टी लेकिन सबसे अच्छी पॉलिसी सबसे अच्छी पॉलिसी किसको कहा गया है ऑनेस्टी को और भारत देश तो हमारा भाई ऑनेस्टी को शुरू से ही बहुत ज्यादा इसको रेस्पेक्ट और ऑनर देता है तो आज का मैसेज यही बेटा बी ऑनेस्ट इन योर लाइफ अगर कुछ अपने जीवन में अपने कोई बड़ा गोल कोई बड़ा एम बनाते हो तो सबसे पहले आप बी ऑनेस्ट ईमानदार बनो और इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट लेसन के साथ मैं फिर प्रेजेंट होऊंगा। टिल देन गुड बाय एंड इफ दिस वीडियो इज यूजफुल एंड हेल्पफुल एंड एजुकेटिव फॉर यू देन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट थैंक यू थैंक यू वेरी मच